ये आकाशवाणी है। अब सुनिए आप हवा महल। हवा महल में मैं आपको सुना रहा हूं, यह है रामायणी भ्रम। एक आदमी को रामायण से भ्रम हो गया था, हमारे घर में तो जो बीमारी बढ़ रही है भैया, ये सब रामायण से है। जबकि रामायण से बीमारी 24 घंटे में घर में से निकल के दूर हो जाती है, मगर उसको तो ये भ्रम हो गया, हमारे घर में तो रामायण बढ़ा रही है बीमारी। एक गडरिया का किस्सा है ये। गंगा दीन गडरिया, जिसने पाल रखी 10 भेड़ 12 बकरिया, प्रभु की माया के आगे हमारी चले न तुम्हारी, फैल गई पशुन में बीमारी, दौड़ो दौड़ो गो गडरिया पंडित जी पे। पंडित जी महाराज, हाँ भैया मेरी तो है गई रेड़। क्यों? मर गई 2 बकरिया 4 भेड़। पंडित जी ये रामायणी तत्काल बोले, गुरु भैया रामायण को पाठ कर दे शुरू, सब संकट कट जाएंगे, खोटे गए नक्षत्र सब आप ही हट जाएंगे। 1,000 रुपया दक्षिणा को दे के गडरिया आ गो अपने घर, 2 दिना कियो रामायण को पाठ, भेड़ सब मर गई, बकरिया रह गई 8। अब घरवारी घुर्राई, हाय मेरी पहली मरे करी तुमते, या रामायण ने रावण सरीके तो मार दिए, भेड़ बकरियान की कहा चलाई, पर तुम्हारी समझ में तो एक सीख ना आई। फिर गड़रिया गया पंडित जी पे, दयालु दयालु रक्षा करो हमारी, रामायण से तो और जोर पकड़ गई बीमारी। पंडित जी बोले, अरे नालायक शास्त्रन पे शंका ना करो, करे भैया चालू रख रामायण, सब ठीक कर देंगे नारायण। फिर गड़रिया अपने घर आ गयो, 4 दिनों में रामायण संपूर्ण कर डाली, होनार की बात भेड़ और बकरिया सब है गई भगवान को प्यारी, रहेगा छोटो सा बच्चा भेड़ को, मेमना मैं। दूसरे दिन गडरिया भूखो प्यासो मक्का की रोटी मीड रहे हो छाछ में मठा में, और बच्चा ने डार दियो मोहो, गडरिया चिल्लायो, क्यों तेरी भी मौत आ गई है का, लाऊ निकाल के रामायण, तू तो एक भी चौपाई को ना, सारे पट्ट मर जाएगा। ये हुआ रामायणी भ्रम। अब सुनिए लोकगीत, अब सुनिए लोकगीत। मेरी घरवाली मुझसे बोली, क्यों जी एक बात है छोड़ दो। मैं बोलो कौन से काम है छोड़वा रही है, नौटंकी के ना, अरे पियाले नसबंदी करवाई, पियाले नसबंदी करवाई, महंगाई बढ़ रही है बालम, सुन लो कान लगाई।